लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। एक तीज का त्योहार है और हमारे बीवी का गला खाली रहे, ऐसा हो सकता है वाला? थैंक यू, इस बात आपने हमारा दिल ही खुश कर दिया। और आपने हमारा दिल जीत लिया। अरे इतनी सुंदर बीवी के लिए कोई भी तोहफा कम है। और हाँ, तुम ना ये हार उस दिन पूजा में पहनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। अभी तो पहन कर देखिए। बहुत सुंदर लग रही है। हाँ। वैसे भी इतना सुंदर हार और हम दुनिया को ना दिखाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और सीमा दीदी, वो तो जल भूनकर राख ही हो जाएगी। हाँ। आज तो प्रभु भैया की शामत आने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। गंगा जी में जाकर फेंकाई अपनी 3 रुपए की चूड़ियाँ। गलत बात मत करो तुम, 3 नहीं पूरे 30 रुपए दिए हमने। अरे 30 की हो या 3,000 की, हमें नीचे आपकी सोने की नकली और घटिया चूड़ियाँ। हटिए। नकली है तो क्या हुआ, तुम्हारी कलाई में कितनी सुंदर दिख रही थी। सच तुम्हारी कसम, बात को ठंडे दिमाग से सुनो तो सही। आजकल सभी लोग पहनते हैं सोना, जहाँ देखो वहाँ, टीवी में, फिल्मों में, शादी ब्याह में। अरे बोर नहीं हो जाती क्या सोना 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 देखकर? नहीं बिल्कुल नहीं, हम दिन रात सोना देख भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं, पर बोर नहीं होंगे। सबके पति तीज के दिन उन्हें सोना देते हैं और एक आप है की। अरे सोना नहीं हुआ तो क्या हुआ, भरपूर प्यार है, पहनो तो। छोड़िए छोड़िए हमारा हाथ, आप तो यही चाहते हैं ना कि शाम को जब हम पूजा करने जाएं तो सब इन चूड़ियों को देखकर हंसे, हमारा मजाक बनाए, यही ना? अरे सबसे ज्यादा तो वो संगीता। देखो देखो देखो, तुम गोपाल और संगीता की बात यहाँ मत करो, उनकी बात कुछ और है। करनी है ना बात तो शैल भाभी और भाई साहब के बारे में करो, उनसे कुछ सीखो। ये शैल भाभी भाई साहब से कोई उम्मीद रखती है क्या? नहीं, कभी कुछ मांगा है उनसे? नेवर। हम भी शैल दीदी नहीं बनना चाहते, नेवर। पहनेंगे तो असली सोना, नकली बिल्कुल नहीं, समझे आप? शैल जी। ये तुम्हारे लिए है। क्या है ये? साड़ी हमारे लिए? हाँ तीज है इसलिए सोचा कि अगर अच्छी नहीं लग रही है तो। नहीं, बहुत सुंदर है, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? वैसे ये तकलीफ हमें हर तीज पर करनी चाहिए थी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ शैल, वैसे तुमने हमें रीत नहीं निभाने दी। कभी सीमा या संगीता की तरह किसी भी तीज में साड़ी या जेवर की हमसे फरमाइश क्यों नहीं की शैल? कभी हमें इस बात का एहसास क्यों नहीं दिलाया? कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। वैसे आप हमें जो भी प्यार से दें वो हमारे लिए काफी है। ये हम तीज पर पहनेंगे। हम आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। क्या हुआ रचना, इतनी बेचैन क्यों लग रही हो?
कुछ नहीं मम्मी। बताओ हमें क्या बात है? बस वो एडमिशन की चिंता खाई जा रही है। अगर हमें स्वामी विवेकानंद कॉलेज में नहीं मिला तो ऐसे वैसे कॉलेज या दूर के कॉलेज में नहीं जाना चाहते। हम समझ सकते हैं बेटा, कॉलेज अच्छा हो और वहां पर पढ़ाई, यही चाहती हो ना तुम? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। हमें शिवजी पर पूरा भरोसा है, उन्हीं की कृपा से तो तुम यहां तक पहुंची हो, और आगे भी वही तुम्हारा बेड़ा पार कराएंगे, देख लेना। काश ऐसा हो। पता नहीं गुंजन और मयंक भैया अभी तक क्यों नहीं आए, उन्होंने फोन भी नहीं किया। और क्या हुआ भैया, हमें एडमिशन मिल पाएगा? देखा मम्मी, जिसका डर था वही हुआ, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। रोंदू कहीं की रचना गर्ग, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ओके? लेकिन उसके लिए इधर कल एसवीसी कॉलेज में हॉकी टेस्ट है। अब तुम्हारे कल का परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगा कि स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ओके? अरे क्या फुसर फुसर चल रही है, जरा हम भी तो जाने। भाई जी ये देखिए। ये क्या है? देखिए तो सही। खेलती हो और हमें पता ही नहीं था बेटा। अब तो तुम्हारा एडमिशन पक्का समझो, है ना मयंक? जी भाई जी जरूर मिलेगा। भगवान का शुक्र है कि अब भी उम्मीद है। आइए ना। रचना बेटा जरा इसे छू दो। जाकर अपनी बाकी की मेहंदी लगवा लो और खूब देर तक लगाए रखना ताकि व्रत के दिन मेहंदी बेस्ट रचे। आप बैठे ना। रचना व्रत रखेगी, मतलब आप उसे निर्जल रखवाएंगे? बेस्ट है, हर कोई निर्जल व्रत रखता है। क्यों रचना, रखोगी ना? इस उम्र में निर्जल व्रत? हमारी बच्ची निर्जल व्रत कैसे रख पाएगी? हे भगवान, कल तो हॉकी टेस्ट है, व्रत के साथ हम हॉकी कैसे खेल पाएंगे? लगता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।